केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा ने बनाया छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य। भिलाई में ईडी की टीम ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के ठिकानों पर दी दबिश। दुर्ग में शत प्रतिशत मतदान के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। और देश भर में शारदीय नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा, देवी मंदिरों में लगा भक्तों का तांता। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार, मैं हूं अमृता शर्मा और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज राजनांदगांव में आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने कई फैसले लिए गए। यहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री और राजनांदगांव से भाजपा उम्मीदवार डॉ. रमन सिंह के नामांकन दाखिले में शामिल होने आए अमित शाह ने परिवर्तन रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में 150 दिन तक रोजगारी देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना था, वहीं महिलाओं को आरक्षण भी दिया गया। डॉक्टर रमन सिंह इसके मुख्यमंत्री बने, 15 साल में एक बीमारू राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम डॉक्टर रमन सिंह। छत्तीसगढ़ के अंदर 15 साल में यह राजनांदगांव और चाहे छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग बहुल क्षेत्र हो, दलित भाई जहां रहते हो वो क्षेत्र हो, दुर्ग और भिलाई के कॉस्मोपॉलिटन इलाके हो या जहां मेरे आदिवासी भाई बहन रहते हो वो क्षेत्र हो, हर क्षेत्र को संपूर्ण विकसित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहां की छत्तीसगढ़ी को, छत्तीसगढ़ी भाषा को राज्य की भाषा का दर्जा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इससे पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के साथ वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने शाह का स्वागत किया। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा, भूपेश सरकार ने राजनांदगांव के साथ छल और धोखा किया है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव अंचल से 4 उम्मीदवार सोमवार को नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, जिनमें शहर से रमन सिंह, डोंगरगढ़ से विनोद खांडेकर, डोंगरगांव से भरत वर्मा और खुज्जी से गीता घासी साहू शामिल हैं। कांकेर जिले में भी विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। यहां कांकेर विधानसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी आशाराम और कांग्रेस प्रत्याशी शंकर ध्रुवा ने आज नामांकन फॉर्म खरीदा। दोनों प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। दोनों प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ कांकेर कलेक्टोरेट पहुंचे। इस दौरान प्रत्याशी शंकर ध्रुवा ने बताया कि 18 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांकेर जिले के तीनों कांग्रेस प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म जमा कराने आएंगे। वहीं आशाराम ने कहा कि 19 अक्टूबर को भाजपा के राष्ट्रीय नेता तीनों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों का नामांकन फॉर्म जमा कराने आएंगे। अब वो जनता बताएगी क्या टक्कर रहेगा, कैसा रहेगा। हमको तो काम करना है जनता का, और उनके जो प्रचार प्रसार में हम निकलेंगे। अब उनको खुद में विश्वास नहीं तो हम क्या करें। कांग्रेस पार्टी चाहे हमारे केंद्रीय नेतृत्व हो चाहे प्रदेश नेतृत्व हो, मेरे ऊपर अब विश्वास किया है और मुझे कांकेर विधानसभा क्षेत्र के लिए प्रत्याशी बनाया है। आज मैं नामांकन फार्म लिया हूं और 17 तारीख को एक सीट डाल दूंगा और 18 तारीख को हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आ रहे हैं, तो तीनों विधानसभा क्षेत्र के लोग प्रत्याशी और कार्यकर्ता एक साथ जुलूस के रूप में आएंगे और पुनः 18 तारीख को एक आवेदन सेट और डालेंगे। उल्लेखनीय है कि कांकेर अंचल में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 7 नवंबर को मतदान होना है।
भिलाई में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीम ने महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप से जुड़े आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के ठिकानों पर आज सुबह 7 बजे दबिश दी। यहां नगर निगम में सफाई के बड़े ठेकेदार नेहरू नगर ईस्ट निवासी दीपक सावलानी उर्फ जयदीप और उनके व्यवसायी भाई गिरीश सावलानी सहित विभिन्न लोगों के ठिकानों पर ईडी के अफसर दस्तावेज खंगाल रहे हैं। यह दबिश महादेव सट्टा के मुख्य सरगना सौरव चंद्राकर और रवि उप्पल से संबंधों को लेकर है। जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम नेहरू नगर स्थित सावलानी बंधुओं के निवास और आकाशगंगा सुपेला स्थित उनकी फर्म राम ट्रेडर्स, भिलाई 3 पदुम नगर स्थित पटाखा व्यवसायी सुरेश धेंगानी, चावल व्यवसायी सुंदरनगर उत्सव भवन के पास निवासी सुरेश कुकरेजा, भरत मेडिकल स्टोर सुपेला के भरत रावलानी, व्यवसायी विकास बत्रा, दुल्हे राजा चौहान स्टेट के निवास बाबा दीप सिंह नगर पर ईडी की टीम पहुंची है। नगर निगम भिलाई और रिसाली क्षेत्र के गार्डन में कुर्सियां और झूले सप्लाई करने के अलावा निगम के ठेकेदार दीपक सावलानी के भाई की आकाशगंगा सुपेला में इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी है। ईडी के 3 अफसरों की टीम आज सुबह 7 बजे सावलानी बंधुओं के नेहरू नगर आवास पहुंची। ईडी को जानकारी मिली कि महादेव बुक के संचालक का पार्टनर बनकर दीपक सावलानी ने नेहरू नगर चौक पर ग्रांड ढिल्लन होटल के बगल से चौपाटी खोला था। इसके अलावा सावलानी पूर्व में सौरभ चंद्राकर की जूस फैक्ट्री में पार्टनर भी रहा है। पिछले साल ही दीपक ने अपना नाम बदलकर जयदीप किया और नए नाम से पासपोर्ट बनाकर दुबई गया था। शत प्रतिशत मतदान के लिए दुर्ग जिला निर्वाचन विभाग द्वारा नवरात्र पर्व पर मतदाता जागरूकता संकल्प अभियान की शुरुआत की गई। 9 दिनों तक चलने वाले इस संकल्प अभियान के तहत नगरीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों में विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़े लोगों को मताधिकार का प्रयोग करने हेतु संकल्प दिलाया जा रहा है। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत बासिन में भी महिलाओं ने बिना किसी लालच और भय के निष्पक्ष रूप से मतदान पर्व में हिस्सा लेने तथा लोगों को भी जागरूक करने का संकल्प लिया। लालच या प्रलोभन में आकर अगर मत का प्रयोग करते हैं तो आगे जाके पछताना हम ही को पड़ेगा। तो हम अपना मताधिकार का सही प्रयोग करेंगे और एक दूसरे को जागरूक करेंगे। अपने आसपास के सभी बहनों को हम इसके लिए जागरूक करेंगे कि सही मताधिकार का प्रयोग करें। मतदाता के मन है शपथ ले हैं कि हमन अच्छा से मतदान करबो, सब लोग मतदान करे बार जागरूक करबो और बिना कुछ लालच के मतदान ला हमन है पूर्ण करबो करके। सब पूरा राज्य के में हाँ आदमी मला औरत मला सब जान ला पूरा दीदी बहनी भाई मला सब ला ये बोला था कि कोई भी लालच में आके ये सब मतदाता है वो कोई मत दो अपन मन से अब अच्छा सरकार ही चुने ताकि आगे भविष्य अच्छा हो सके। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि समाज के हर वर्ग की भागीदारी मतदान के लिए सुनिश्चित करने के मकसद से इस अभियान की शुरुआत की गई है। और समाज के हर तबके को इस अभियान से जोड़ने के लिए नवरात्रों पर मतदाता संकल्प अभियान हमने शुरू किया है। इसमें हर दिन एक अलग थीम रखी हुई है और उस थीम के ऊपर संबंधित जो लोग हैं उनसे संकल्प कराया जा रहा है कि वो चुनाव में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और अपना जो मतदान की शक्ति है उसका अवश्य प्रयोग करें। ये कार्यक्रम हमने कल से स्टार्ट किया है और ये पूरे नवरात्र तक चलेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र मीणा ने बताया कि आने वाले दिनों में सभी धार्मिक तथा सार्वजनिक स्थलों पर भी मतदान जागरूकता के लिए अभियान चलाया जाएगा। रायपुर जिले में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान पुलिस परेड ग्राउंड से सशस्त्र सेवा बल के जवान और पुलिस के आला अधिकारी सहित सभी थानों के प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। सीआरपीएफ और पुलिस जवानों को रायपुर शहर के पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल ने चुनाव से संबंधित सारी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह फ्लैग मार्च के दौरान पूरे शहर का भ्रमण करते हुए लोगों को समझाइश दी जाएगी और शांति बनाए रखने की भी अपील की जाएगी। तरीके से प्रिवेंटिव कार्रवाई की जा रही है ताकि असामाजिक तत्वों पर लगाम रहे। पुलिस की चेकिंग भी बढ़ाई गई है। जिले के जो अंतर जिला बॉर्डर्स हैं वहाँ के नाका एक्टिवेट किए हैं। उसके अलावा सभी विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग 7 विधानसभा क्षेत्र में फ्लाइंग स्क्वाड्स एक्टिव किए गए हैं। उसके साथ साथ शहर में शाम को और अलग अलग समय पर चेकिंग की कार्रवाई भी की जा रही है। उसी क्रम में एक फ्लैग मार्च का आयोजन आज किया गया जिसमें शहर के सभी थाना प्रभारी सभी गेस्टेड ऑफिसर्स
शहर का भ्रमण एक साथ मिलकर के करेंगे, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे, ताकि असामाजिक तत्वों पर दबाव रहे और चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हो सके। इसी तरह महासमुंद पुलिस व जिला प्रशासन के संयुक्त कार्यक्रम के तहत पुलिस ने महासमुंद नगर में फ्लैग मार्च किया, जिसमें 150 पुलिस अधिकारी व जवान, तहसीलदार, नायब तहसीलदार संयुक्त रूप से शामिल हुए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरिपुंज ने बताया कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह फ्लैग मार्च निकाला गया। जो बल है जिसमें हमारे नगर सेना के सेनानी साहब भी हैं और पूरी सीएफ की टीम है, सभी टीम इसमें शामिल हुए, लगभग 150 का बल इसमें शामिल रहेगा और प्रशासन के मजिस्ट्रेट साहबान और सभी शामिल हैं इसमें। गौरतलब है कि यह फ्लैग मार्च पुलिस कंट्रोल रूम से प्रारंभ होकर तुमगाम ओवरब्रिज होते हुए पुलिस कंट्रोल आकर समाप्त हुई। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नवरात्रि के पहले दिन कांग्रेस प्रत्याशियों की पहली सूची आने के बाद प्रदेश में राजनीतिक हलचल अब तेज हो गई है। कांग्रेस की इस सूची में कोरबा विधानसभा से राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल को चौथी बार अपना उम्मीदवार बनाया गया है। श्री अग्रवाल ने मीडिया से चर्चा में अपनी चुनावी रणनीति पर बात की कि हमारी पार्टी में जिन विधायकों का परफॉर्मेंस कमजोर मिला उनकी टिकटें बदली की जा रही हैं और जो पार्टी ने एआईसीसी ने भी सर्वे कराया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सर्वे कराया, जिन सर्वे में जो प्रत्याशियों की स्थिति देखी गई उसमें बहुत ऐसे कम प्रत्याशी थे जिसमें एक मैं भी था, जिसको स्थिति को देख के मुझे पुनः प्रत्याशी बनाया गया। इसलिए मैंने कहा है कि तीन चुनाव मैंने जीते हैं और किन किन परिस्थितियों में जीते हैं आप इस बात को भली भांति जानते हैं। इससे पहले शनिवार 14 अक्टूबर को झारखंड से राज्यसभा सांसद और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उराव और बिलासपुर संभाग प्रभारी अनुराग सिंह देव कोरबा प्रवास पर रहे। चारों विधानसभा प्रत्याशियों की मौजूदगी में इन प्रतिनिधियों ने तैयारी को लेकर बैठक लेने के साथ ही जीत को लेकर रणनीति भी बनाई। संभाग प्रभारी अनुराग सिंह देव ने बताया कि चुनाव में कांग्रेस को घेरने की पूरी तैयारी है और 30 दिन अब हमारे पास शेष है और इसको लेकर कोरबा जिले में जो चार विधानसभा है इसकी कैंडिडेट्स के साथ आज बैठक भी थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। यहाँ पर हमारे सेंट्रल की तरफ से समीर उराव जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है एसटी मोर्चा के, वो चुनाव का काम देख रहे हैं। इस बार हम लोग चारों सीट कोरबा जिले में जीतेंगे और इसको लेकर पूरी कोशिश की जा रही है और बहुत अच्छा उत्साह का वातावरण देखने को मिला। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को माओवाद प्रभावित 20 विधानसभा सीटों पर किया जाएगा। इसके बाद दूसरे चरण का मतदान 17 नवंबर को होना है, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। देश भर में शारदीय नवरात्र बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। नवगठित शक्ति जिले के चंद्रहासनी मंदिर में 10 दिनों तक भक्तों का तांता लगा रहेगा। वहीं शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित देवी मंदिरों में आस्था के दीप जगमगा रहे हैं। मां चंद्रहासनी मंदिर में गोपाल जी महाप्रभु एवं मां चंद्रहासनी ट्रस्ट ने विशेष पूजा अर्चना की तैयारी की है। यहां करीब 1500 तेल ज्योत कलश प्रज्वलित किए गए हैं। इनमें स्थानीय के अलावा देश विदेश से भी लोगों ने ज्योति कलश प्रज्वलित करवाए हैं। नवरात्रि पर्व पर दर्शन हेतु श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस संबंध में चंद्रहासनी मंदिर के पुजारी ने जानकारी दी। चंद्रपुर में यहाँ चंद्रहासनी देवी मंदिर नंबर 2 का ज्योति कलश है। यहाँ 4 जगह में ज्योति कलश जलता है 4 नंबर तक और यहाँ दूर दूर से दर्शन करने आते हैं लोग, देखते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। नवरात्रि पर्व के प्रथम दिन रविवार को सुबह मां चंद्रहासनी मंदिर प्रांगण से कलश यात्रा निकली। नगर भ्रमण कर कलश यात्रा महानदी से जल भरकर पुनः मंदिर प्रांगण में पहुंची। दोपहर को मनोकामना ज्योति कलश की स्थापना की गई। नवरात्रि पर्व पर मंदिर में 10 पंडितों ने शतचंडी पाठ किया। मां चंद्रहासनी के दरबार में 108 दीपों की महाआरती हुई। शहर के समलाई मंदिर, बूढ़ी माई मंदिर, अनाथालय दुर्गा मंदिर सहित अन्य देवी मंदिरों में भी नवरात्रि पर्व पर विशेष पूजा अर्चना की गई। इसके लिए पूरी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।